सिंपली आप यहाँ से बैग से अपना पकड़ के निकालो सर यहाँ से, काफी ये आपका, ये देखो सर ये आपका हेयर पैच ये खुल गया सर आपका, इतना देर लगता है सर खोलने में, सिर्फ 30 सेकंड की ने, कुछ नहीं करना है सर, फोरहेड के आगे इस तरह से रखे, फ्रंट में छोटा सा टेप लगता है, ठीक है, रिवर्सिबल टेप होता है, और टेप बदलनी पड़ती है टाइम टू टाइम, वो मैं बता के देता हूँ मैं सबको क्लाइंट को, और ये क्लिप होता है छोटा सा सर, ठीक है, आपके जो ओरिजिनल हेयर है इस पे अटैच कर जाता है सर, सही है, ये लग गया सर तो आपका, ये देखिए लगा दिया वापस से, तो सर अभी आपने इनके लिए ये कलरिंग वगैरह की हुई है तैयार करके आपने ऐसी? नहीं सर, ये पैच का कलर ऐसा आता ही है सर, हेयर लाइन, अच्छा मेरे पास ये भी है सर, हेयर लाइन, किसी की हेयर लाइन ऊपर हो गई जैसे, किन्नी किन्नी का आप देखते हो सिर्फ ये वाला फ्रंट का लाइन चला जाता है, वो तो हेयर लाइन हमारे पास, ये भी है पूरा स्कल्प वाली जो विजिबिलिटी है वो आएगी, ऐसे आपके स्किन से निकल लो हेयर, ऐसे नहीं कहीं से भी पता नहीं चलता है। व्हाट्सएप पे आ रहा हूं, कैसे आप लोग दोस्तों, आज के टाइम पे काफी लोग परेशान है अपने हेयर लॉस और हेयर फॉल को लेके, क्योंकि टाइम के साथ लोगों के बाल चले जाते हैं काफी कम एज में, और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, और ओवरऑल लुक्स में भी काफी उनको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज एक ऐसी जगह पे लेके आए जो कि आपको सेम डे आपके हेयर लगा के देंगे, मतलब आपको आना है और फटाफट से आपके बाल घर लेके जाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे आफ्टर बिफोर इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और लोगों को ये लगवाने के बाद में जो चेंजेस है ना वो काफ़ी अच्छे विजिबल आते हैं, और भी काफ़ी सारे लोगों के इन्होंने अलग अलग तरह से लगाए हुए हैं। तो अभी हम आपको लाइव ही लेके आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली चांदनी चौक के अंदर में, यहाँ पे आपको मिलते हैं सभी तरह के इस टाइप के हेयर पैचेस और हेयर सॉल्यूशन, यहाँ से आप करवा सकते हो अपने बाल तैयार और इस तरह से। तो अभी यहाँ पे देखिए कुछ लाइव भी चल रहा है काम यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का, तो आज आपको सारी की सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम बताने वाले हैं, कितना इसको खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, कैसा मेंटेनेंस होता है, सारी चीज़ आज की वीडियो हम कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड करके बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बराबर बेल आइकन आ रही होगी उसको भी दबाएं ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो इस तरह से देख सकें, और अगर आपको रील देखने का शौक है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की वीडियो। तो अभी हमारे साथ में जीतू भाई होंगे, जीतू हेयर विक से, तो सर आप काफ़ी फेमस हो कि जिसको सर पे बालों की समस्या है वो आए और फटाफट एक घंटे में अपने बाल उगवा के जाए। थैंक यू सर। क्या चीज लेके आए हो सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। सर मेरे पास हेयर पैच का काम है, हाँ। जिसको हेयर विग भी बोलते हैं, ठीक है, मेरा उस चीज का काम है सर, हाँ। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हाँ। जिनके बाल चले जाते हैं, किन्हीं के थोड़ा फ्रंट के चले जाते हैं, लेफ्ट में कहीं से भी हो, ठीक है सर, उनको हम हेयर पैच लगा के देते हैं। मेरे पास आए सर ओनली 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट में हम आपको हेयर पैच लगा के दे देंगे, और सबसे कम प्राइस में। तो सर ये लगने के बाद में कोई पहचान सकता है कि आपने इस तरह का एक हेयर पैच लगवाया हुआ है? सर लगने के बाद कोई भी नहीं बता पाता कि आपके हेड पे हेयर पैच लगा हुआ, किसी अच्छा। तरह कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। हाँ हाँ। और अगर इसकी बात करें सर, कितने से प्राइसिंग शुरू हो जाती है अपने दिल्ली में? सबसे सस्ते रेट मेरे हेयर पैच है। अच्छा, जो अदर जगह आप जाते हेयर पैच लेने के लिए, हाँ। तो कम से कम आपको 10,000 से 12,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं इस क्वालिटी वाली। जी सर, ठीक है सर, वो पैच मेरे पास जो है 6,000 से स्टार्ट है। क्या बात कर रहे हो जी, सिर्फ 6,000 से स्टार्ट है और लास्ट 20,000 रुपए तक का है। अच्छा, उस 6,000 के जो भी कोई पैच लगवाते हैं तो 6,000 रुपए में कम्प्लीट करके दे रहा हूँ, ये नहीं की लगाने के चार्जेस अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि कोई भी भाई मेरे देख रहे हैं दिल्ली से बाहर से है और वो नहीं आना चाहते हैं, हाँ। तो उनको हम ऑनलाइन घर पे प्रोवाइड करा देते हैं हेयर पैच, आपको हम कुरियर से भिजवाते हैं, वो भी सीओडी पे। ठीक है सर, ये नहीं कि आपको पेमेंट पहले देना होगा, पेमेंट पहले नहीं, चीज आपके घर पे पहुंच जाए फिर पेमेंट आते हैं। ओके जी, तो फिर वो अपने नियर बाय जाके कहीं पे लगवा सकते हैं? नहीं सर, कटिंग वगैरह हम कम्प्लीट करके दे देते हैं। अच्छा, उनको क्लिप वाले हम देंगे जो फर्स्ट टाइम लगवाते हैं। अच्छा, और जो पुराने उनको तो फिक्स वाले कटिंग वगैरह करके हम दे देते हैं, वो सेल्फ घर पे कर लेंगे, 1 मिनट लगना उनको, किसी अच्छा। पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये देखिए घर वालों के लिए भी सॉल्यूशन दे दिया, और आपके जो यहाँ पे आता है सैलों के अंदर में उसको किस तरह से तैयार करते हो, क्या चीजें लगाते हो उसके लिए? इसमें दो मेथड होता है सर, एक क्लिप वाला होता है, फिक्स वाला होता है। ठीक है, क्लिप वाले में क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये एरिया क्लिप सेव अप ना कराऊ, मैं क्लिप ना कराऊ, उनके लिए होता है क्लिप वाला मेथड। ठीक है, क्लिप वाला बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली लेफ्ट राइट एंड बैक में क्लिप लगे होते हैं, इस तरह के लेफ्ट राइट एंड बैक में क्लिप लगे होते हैं सर, और जो हमारे ओरिजिनल हेयर रह जाते हैं साइडों में, सबके तो नहीं जाते पूरे, फ्रंट फ्रंट के चले जाते हैं, सही है, तो आपके साइडों में अटैच हो जाता है, फ्रंट में छोटा सा टेप लगता है। अरे क्या, तो मैं अभी डेमो आपको करके दिखाऊंगा कैसे लगता है। ठीक है जी, तो देखिए काफी जबरदस्त चीज होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपने हेयर फॉल से काफी परेशान हो गए, और जिनके साइड्स के या फ्रंट के या सेंटर के कहीं से भी बाल चले गए,
सभी लोगों को ये अच्छे हेयर आपको देते हैं नहीं, जिससे हमारे लुक्स भी चेंज हो जाते हैं बहुत सारे, है ना, लगने के बाद एकदम ही चेंज आ जाता है। हेयर स्टाइल कोई सा करवा ले पसंद आपकी है। अच्छा, तो ये देख रहा हूँ जैसे कुछ कलर वाले हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ ब्राउन है, ये कोई सा भी कलर भी हो सकता है इनके ऊपर? हाँ सर, ये ह्यूमन हेयर होता है, कोई सिंथेटिक या लेलन वाले हेयर नहीं है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को जो नॉर्मली सिर्फ सिंपल हेयर कलर रखना है जो नेचुरल होता है, कई लोग कहते हैं मेरे को हाईलाइट कराना है, कई लोग कहते हैं मेरे को कई और कलर कर, ये ह्यूमन हेयर होता है, इसका कोई सा भी कलर आप करा ले, आइनिंग कराए, फिनिशिंग कराए, जेल लगाए, सीरम लगाए, शैम्पू करे, कंडीशनर करे, हेयर ड्रायर करे, जो आप एक ओरिजिनल वालों पर अप्लाई करते हैं वही चीज आप इस पे भी कर, सारी चीज पॉसिबल है। तो थोड़ा सर प्रोडक्ट के बारे में अपना दिखाना शुरू कीजिए कि किस टाइप के पैचेस होते हैं इसमें। सर इस तरह का होता है, देखो शुरुआती जो होता है मोनोफिलामेंट बोलते हैं इसको। हाँ, ये देखो इस तरह का जो सर्कल होता है इसको मोनोफिलामेंट बोलते हैं। ये हेयर पे जो है 6000 से देखो ये स्टार्ट होते हैं। ओके जी। और जो बालों क्वालिटी के ऊपर होता है, जिस हिसाब से बालों क्वालिटी बढ़ती जाती है आपका प्राइस बढ़ते जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है, ठीक है। कई पैच ऐसे आते हैं जिसको स्किन बेस बोलते हैं। सर सही है सर, स्किन बेस उसको बोलते हैं, जैसे कई लोग जो है पैच लगवा गया तो कई लोग घर पे ना कोम करके देखते हैं। सही है, फैमिली वाले या फ्रेंड सर्कल वाले, तो उसमें आपके स्कैल्प दिखाई देता है आप। अच्छा, ये देखें ऐसा तो लगता है हमारे ओरिजिनल हेयर दिखाई देता है। बहुत अच्छे जी, तो ये देखिए आपको पूरा स्कैल्प वाली जो विजिबिलिटी है वो ऐसे लगता है आपके स्किन से निकल रहा है हेयर, ऐसे नहीं कहीं से भी पता नहीं चलता। ठीक है सर, ठीक है। तो ये अभी जो ये बाल है सारे लंबे हैं, इनको आप कटिंग वगैरह कर देते हो क्या? कई लोग जो है सर अपने हेयर स्टाइल अपनी पसंद की मांगते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे को लॉन्ग हेयर रखने है। एग्जांपल फॉर देखो आपके सामने ये है, देखो ठीक है, ये लॉन्ग हेयर है सर। हाँ हाँ। इस पे हमने थोड़ा सा कलर कर रखा है, ये सही है, ये लॉन्ग हेयर है। हाँ हाँ। और ये सामने देखो सर ये शॉर्ट हेयर है, हेयर स्टाइल दोनों का चेंज है सर। हाँ हाँ। कई लोग क्या कहते हैं कि मेरे को शॉर्ट बिल्कुल रखना है सिंपल। हाँ हाँ। जो हेयर स्टाइल मैं अभी बना के दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि परमानेंट आपका हेयर स्टाइल वही रह जाएगा। अच्छा, बाद में आप घर पे आप चेंज भी इसको कर सकते हो। तो इसको शैम्पू करना पड़ता है, क्या चीज करनी पड़ती है? नॉर्मली जो आप ओरिजिनल हेड वॉश करते हो आप, बाल जो धोते हैं, शैम्पू कंडीशनर जो आप करते हैं वही इस पे अप्लाई होता है और कुछ भी नहीं लगता। ओके सर, तो ये देखिए आपको यहाँ पे काफी सारे अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके आगे आ जाते हैं तो देखो सर इसमें और भी कई इसमें वैरायटीज आती है। हाँ। जैसे कि अभी मैं स्किन बेस दिखा रहा था, एक आता सर इसमें फ्रंटलेस बोलते हैं सर इसको। अच्छा, फ्रंटलेस की ये खासियत देखिए ये होती है, ये सामने आप नेट देख रहे हैं। सही है, ये हर पैच में नहीं होता ये। अच्छा, इसको फ्रंटलेस बोलते हैं। फ्रंटलेस की एक खासियत होती है, ये जो नेट आप देख रहे हैं फ्रंट का, हाँ। ये आपका ये कट जाता है। ठीक है, जो मैं पकड़ रखा हूँ ये फिंगर से। सही है, ये कटने के बाद ऐसा लगता है जैसे कई लोग देखते हैं ना उठा करके देखते हैं फ्रंट से, हाँ। यहाँ से, ताकि ये फील ना हो किसी को, तो ये भी तो कुछ ऐसा लगता है हमारे ये बिल्कुल स्कैल्प से निकल रहा होता है फ्रंटलेस। सही है। और सर ये मैं देखो दिखाता हूँ आपको, जैसे कई लोग जो है सिर्फ थोड़ा सा एरिया जाता है, ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फ्रंट का चला जाता है। हाँ। जैसे आप कईयों को देखते होंगे सिर्फ ये वाला पार्ट चला जाता ठीक है सर, इसको बोलते हैं हेयर लाइन। अच्छा, मेरे पास ये भी है सर हेयर लाइन, किसी की हेयर लाइन ऊपर हो गई। हाँ। जैसे किन्हीं का आप देखते होंगे सिर्फ ये वाला फ्रंट का लाइन चला जाता है, वो होता है हेयर लाइन। हमारे पास ये भी है, कईयों को देखते होंगे सर हेयर लाइन भी अच्छी है, साइड भी अच्छी है, बैक भी अच्छे है, सिर्फ फ्रंट यहाँ सेंटर का एरिया चला जाता है। और छोटे से हेयर पैच भी होता है, बहुत छोटा सा ही देखो। अच्छा, ये आपको सबके पास नहीं मिलेगा ये। सही है सर, हमारे बेनिफिट यही हमारे पास आ पाए, हर तरह का हेयर पैच आपको हम आपको लगा के देंगे। मतलब सॉल्यूशन बहुत सारे हैं आपके पास में हर प्रोडक्ट के, कि जिसको जैसी जरूरत है ना उसको उस हिसाब से देते हैं, ये नहीं है कि एक ही यूनिवर्सल प्रोडक्ट सबको वही दिया जा रहा है। सबको सेम चीज नहीं लगता है, ठीक है, और सब पे सेम हेयर स्टाइल नहीं सूट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों आपको काफी सारी चॉइसेस मिल जाएगी अलग अलग शेड्स के हिसाब से, या फिर ग्रे हेयर चाहिए किसी को, ब्लैक चाहिए, ब्राउन चाहिए, नेचुरल ब्राउन चाहिए, जैसा कलर शेड चाहिए वो मिल जाएगा। और इसके बाद भी अगर किसी को करना है तो कलरिंग भी इसकी की जा सकती है। हाँ सर, जो मर्जी कलर करे जो ओरिजिनल बालों पे अप्लाई करते हैं वही सेम इस पे होता है। ठीक है, तो सर इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने टाइम तक एक पैच चल जाता है, या सर्विस कैसे होती है, क्या होता है इसका? देखो सर दो मेथड है इसमें, एक होता है क्लिप वाला, एक होता है फिक्स वाला। ठीक है सर, क्लिप वाला जो होता है सर उसकी लाइफ जो होती है कम से कम आपके 1.5 से 2 साल। ओके जी। चलता है ज्यादा, लेकिन कम कह के बता के दे रहा आपको। और एक होता है फिक्स वाला, फिक्स वाले की लाइफ होती है लगभग 1 साल की। ठीक है सर, तो इतनी लाइफ होती है आपकी जी। तो अभी आप सर लाइफ दिखा सकते हो कि लगने के बाद कैसा लगता है और कितना टाइम? मैं वर्क कर ही रहा था, अभी आप आए थे, मैं काम कर ही रहा था, आओ मैं दिखाता हूँ सर दोनों के, कि फिक्स वाला क्या होता है और ये आपका क्लिप वाला मेथड क्या होता है। अभी हम यहाँ पे इनके आगे एरिया के अंदर में जहाँ पे सारे लोगों को तैयार करते हैं और आपके लिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिखाते हैं, तो अभी क्या कर रहे हो आप बताइए थोड़ा सा। सर मैं जो भी आप पूछ रहे थे वही हेयर पैच में लगा के दिखा रहा हूँ सर। हाँ, अभी मैं काम कर ही रहा था ये। ठीक है, ये सर क्लिप वाला मेथड। सही है सर, जैसे कई लोग अपने घर पे मंगवाते, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ऑनलाइन,
जो भी हमारे से कुरियर सर्विस मंगवाते हैं घर पे, ओके जी, उनके लिए बेटर है। जो कोई यहाँ भी लगवाना चाहते हैं उनके लिए बेटर है, ठीक है। और कई लोग जो सेल्फ मेंटेन घर पे रखना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए भी ये बेटर है प्रोडक्ट, ठीक है सर। तो बताइए एक बार, अभी तो आप एक बार लगा हुआ देख सकते हो कि दोस्तों बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। बताइए कैसे लग रहे हमारे सर, बिल्कुल रियल है या हेयर पैच है ये? बिल्कुल, मतलब पहचानना काफी मुश्किल है, अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई हेयर पैच है। कहीं से भी आप देख सकते हो 360 डिग्री आपको फील ही नहीं होने वाला सर। हाँ, पूरा देखो, घुमा देता हूँ मैं, आप ये देखिए। बहुत अच्छे, कैसे तो आप देख ले आप? तो सर इनके बताइए किस टाइप का लगाया हुआ है, सेंटर वाला पूरा पैच क्या इनका सर? पूरा है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा। ओपन करके जो कोई घर पे करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए बहुत इजी है, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, इजी है उनके लिए जो क्लिप मेथड रखना चाहते हैं। सही है सर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 10 सेकंड लगता है निकालने में, और आपका 30 सेकंड लगता है लगाने में। क्या बात, करना क्या है आप ये देखे, घर पे जैसे कोई निकालना चाहते हैं इजीली है, ये आपका क्लिप है, ये ओपन हो गया आपका ये, और ये आपका यहाँ से ओपन, सर ये आपका ये ओपन हो गया, और ये हो गया सर आपके, हमारे ओरिजिनल देखो ये है। तो ये देखो आपको एक मिनट भी नहीं लगता उससे, और भी लगाने में इतने देर लगता है, आप सिर्फ 30 सेकंड गिने। हाँ। कुछ नहीं करना सर, फोरहेड के आगे इस तरह से रखे, फ्रंट में छोटा सा टेप लगता है, ठीक है, रिवर्सिबल टेप होता है, टेप बदलनी पड़ती है टाइम टू टाइम, वो मैं बता के देता हूँ मैं सबको क्लाइंट को, और ये क्लिप होता है छोटा सा सर, ठीक है, आपके जो ओरिजिनल हेयर है इस पे अटैच कर जाता है सर। सही है, ये लग गया सर तो आपका, ये देखिए लगा दिया वापस से। तो सर अभी आपने इनके लिए ये कलरिंग वगैरह की हुई है तैयार करके आपने? ऐसी नहीं सर, ये पैच का कलर ऐसा आता ही है सर। अच्छा, और कई लोग इस पे कलर कराना चाहते हैं तो कलर भी उस पे हो जाता है। सही है, तो ये देखिए पूरा हेयर कलर से मैच करा के देते हैं आपको इस तरह से, कि जो देखने के बाद में ओवरऑल लुक है वो काफी अच्छा है। सेकंड सर ये होता है आपका फिक्स वाला। हाँ, फिक्स वाला ये होता है सर। अभी आप पहले बता आपके हमारे ये सर कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लुक आ रही है इनकी भी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रियल हेयर है, ये पैच है, पहले बताओ, बिल्कुल रियल लग रहे हैं, समझना मुश्किल है, देख लो आप ये। हाँ, ये तो सर आप बोलते हो कि नेचुरल नहीं है हमारे लगाए हुए, तब पता लगता है, वरना देखने पे तो ऐसे लगता है। लगा रखा सिर्फ टेपिंग वाला। अच्छा, कई लोग जो है कहते हैं मैं सर्विस ना करवाना चाहूँ, ओनली सिर्फ टेपिंग वाला, तो टेपिंग वाला मेथड सबसे मस्त होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। आपका टेपिंग वाला मेथड भी आपका हफ्ते से 10 दिन आराम से आपके घर पे चल जाता है। मतलब क्या करना होता है उसके अंदर में? कुछ भी नहीं करना सर, सिंपली आप ये देखे मैं निकाल के दिखाता हूँ, कुछ नहीं, घर पे जब निकालना होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है सर, सिंपली आप यहाँ से बैग से अपना पकड़ के निकालो सर, यहाँ से काफी, ये आपका ये देखो सर, ये आपका, ये आपका हेयर पैच ये खुल गया सर आपका, इतना देर लगता है सर खोलने में। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने टेपिंग वाला सर, ठीक है, तो मतलब इसको हम अपने घर पे लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, एक मिनट लगता है सर। हाँ, टेपिंग वाला देखो प्रोसीजर वही है सर। सही है, सिंपली कुछ नहीं करना, पूरा जो सर्कल आप देख रहे हैं इसके ऊपर टेप आपने करना है, और टेप करने के बाद आप अपने घर पे इस तरह से शीशे के आगे खड़े होकर और ये आप लगाएं तरीका, और आपका एक मिनट में आपका लुक चेंज तैयार हो गया। तो इसकी केयरिंग वगैरह क्या करनी होती है? केयरिंग इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं सर, सिंपली आपका इसमें लगता है शैम्पू और कंडीशनर, और अच्छा, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आपको हमने काफी सारे लोगों के यहाँ पे आफ्टर बिफोर दिखा दिए कि किस तरह से आपको चेंजेस आ जाते हैं विद इन आ आर, तो इसके लिए आपको बुकिंग करके आना होता है? नहीं सर, कभी भी 7 डे हमारी शॉप ओपन होता है, कभी भी आ जाए आप, 7 डे ओपन होता है, सिर्फ त्योहार वगैरह पे छुट्टी होती है। सही है, मेरा सब 7 डे ओपन होता है, टाइमिंग होता है सर मॉर्निंग में 10 बजे से ओपन होता है सर, रात को 8 बजे तक सर। अच्छा जी, दुकान का एड्रेस है शॉप नंबर 101 चर्च मिशन रोड फतेहपुरी दिल्ली 6, नियर बाय चांदनी चौक मेट्रो। तो कोई भी आएगा आपसे काम कराएगा, मेरे को लगता है खुशी होएगा कि जिस क्वालिटी का आप यहाँ पे काम करते हो। ये होता सर हम अच्छा से अच्छा काम करके दें। ठीक है जी, तो ये देखिए दोस्तों आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप जरूर से लाइक करना, कमेंट करना, और उस किसी के साथ शेयर करो इस वीडियो को जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत हो, जो अपने हेयर फॉल से परेशान आ चुका हो, क्योंकि ये आपको तैयार करके देते हैं आपके बाल केवल एक दिन में, और एक दिन ही नहीं 1 घंटे के अंदर में। दिल्ली के अंदर में इनका ये सैलून होने वाला है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तैयार करके दी जाती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज प्रतीक कुमार, टाइम आउट।